वरिष्ठ भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय एक लड़के की मां की शिकायत पर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान उसकी बेटी का यौन शोषण किया था। पुलिस के अनुसार भाजपा नेता पर पॉक्सो कानून की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। येदियुरप्पा के खिलाफ सदा शिवनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज गई है। अभी इस पर उसकी या उनके परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। येदियुरप्पा ने कहा कि कुछ दिन पहले एक महिला मेरे घर आई, वह रोते हुए कह रही थी कि कुछ परेशानी है। मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और मैंने व्यक्तिगत रूप से मामले के बारे में पुलिस आयुक्त को फोन किया और उसे उसकी मदद करने के लिए कहा। बाद में वह महिला मेरे खिलाफ बोलने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने यह मामला पुलिस कमिश्नर के ध्यान में ला दिया है, कल पुलिस ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है।